हमारे भारत देश में प्रत्येक मंदिर से कोई ना कोई पौराणिक कथा और चमत्कार जरूर जुड़ा हुआ है। यह चमत्कार भगवान को लगने वाले भोग से भी जुड़े हैं, तो कुछ मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान यहाँ साक्षात रूप से मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ भगवान को शराब का भोग लगता है, फिर प्रसाद के रूप में शराब बांटी जाती है। तो आइए जानते हैं भारत के वे कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ भगवान को शराब का भोग चढ़ाया जाता है, और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले के काल भैरव मंदिर की, जहां काल भैरव को खुश करने के लिए तांत्रिक विधि पंचकर्म से पूजन किया जाता है, पर आधुनिक काल में मदिरा के अलावा बाकी चीजों को सांकेतिक रूप से किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव की मूर्ति भोग लगाए जाने वाले शराब को पी जाती है। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ के खबीज बाबा मंदिर की, जो अपने अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने स्पर्श से घायल लोगों को ठीक कर देते हैं। खबीज बाबा को मदिरा बहुत पसंद थी, इसलिए मृत्यु के बाद उनके समाधि पर शराब का भोग चढ़ाया जाता है। यह मंदिर लखनऊ के निकट सीतापुर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर गाँव की उत्तरेश्वरी मंदिर की, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। माता को वाइन और मछली चढ़ाया जाता है, जिसके बाद मिर्गी के मरीजों के साथ बांट दिया जाता है और मिर्गी के मरीज ठीक हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वाराणसी में स्थित काशी के कोतवाल की, यानी काल भैरव की। वाराणसी के लोगों की मान्यता है कि काशी शहर की रक्षा भी यही करते हैं, जिसके कारण इन्हें काशी के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। काल भैरव ही तय करते हैं कि काशी में कौन प्रवेश कर सकता है और कहाँ निवास कर सकता है। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन्हें चॉकलेट, मांस और मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के भंगवाल माता मंदिर की, जो सिर्फ ढाई प्याला शराब चांदी के प्याले में स्वीकार करती हैं। मंदिर का पुजारी अपनी आंख बंद करके माता से शराब ग्रहण करने के लिए आग्रह करता है, और माता दो प्याले पीकर तीसरा प्याला आधा छोड़ देती हैं, जिसे दुनिया भर के लोग यह चमत्कार देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।